आप सुनिए, आप मेरी बात महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है सुन लो। आगे से कवर कर लेता हूँ पंडित जी को। महाशिवरात्रि है उसका पर्व लोग, उनका मत है कि उस दिन जो है पार्वती का और शिव का विवाह होता है, ये बिल्कुल गलत है। देवी पुराण में साफ साफ लिखा है कि पंचमी तिथि रविवार का महीना था और बैशाख के महीने में जो है शिव पार्वती का विवाह होता है। देवी पुराण पढ़ लीजिए आप, उसमें लिखा हुआ है। और महाशिवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं इसकी बहुत बड़ी एक कहानी है जिसको आधे लोगों को पता भी नहीं है। तो मैं आपको आज यहाँ पे महाशिवरात्रि का पर्व का ज्ञान देना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, ताकि आपको जो है इसका ज्ञान हो जाए और आपको दूसरों को भी उसको अवगत करा सके। तो इसमें ये होता है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा जी सृष्टि रचने वाले हैं और विष्णु क्या है, पालन पोषण करने वाले हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, बहुत सृष्टि की रचना करी ब्रह्मा ने। ये कब हुई थी रचना मालूम है? ये जब आपकी 3 तारीख को अक्षय तृतीया है उस दिन जो है सृष्टि की रचना हुई थी। उस दिन कलयुग का प्रारंभ भी हुआ था, अक्षय तृतीया मनाई जाती है। उस दिन शादी विवाह मुंडन कोई दिन नहीं दिखाया था। इतने मेरे पास आ चुके, मैं इतने पंडितों को लोगों को भेज चुका हूँ अक्षय तृतीया के दिन। अभी आपके पास आया हूँ तो आपकी गाड़ी ने पंडित जी ने पूजा करानी है। तो इसी तरह से जो है ब्रह्मा जी जब सृष्टि रची थी तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, आज मैंने सृष्टि को रच दिया है, पर उसको अब सौंपना है, अलग अलग विभागों में सौंपना है। तो एक बार जब सृष्टि रचते से बड़े प्रसन्न मुद्रा में गए, कहाँ पे, विष्णु लोक में। तो भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा को, आओ बेटा मेरे पास बैठो। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए कि भाई सृष्टि की रचना मैंने करी है और भगवान विष्णु कह रहे हैं कि आओ बेटा। इन दोनों में आपस में विवाद हो गए, बेटे और बाप का, कि सृष्टि की रचना करने वाला कौन है, सृष्टि मैंने रचनी है और विष्णु कह रहे हैं कि मैंने रची है, क्योंकि रचने वाला भगवान ब्रह्मा जी हैं। पर क्या हुआ, उस वक्त भगवान एक ज्योतिर्लिंग का प्रागट उत्पन्न हुआ, ज्योतिर्लिंग जो अर्धरात्रि में मनाया जाता है, उससे पहले चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। और जब वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ तो उसमें से एक आवाज निकली, एक ध्वनि निकली कि जो मेरे अंत का, जो मेरे शोर का पता कर लेगा वही पूजने है। तो ब्रह्मा को दे दिया ऊपर का कि तुम ऊपर के अंतरिक्ष में द्विलोक स्वर्लोक में जाओगे और वहां पे मेरा शोर का पता करोगे, मेरे अंत का पता करोगे कि ज्योतिर्लिंग क्या है। और नारायण को भूलोक पतलोक का दे दिया, पृथ्वी लोक का। नारायण जी गए, बहुत ब्रह्मांड में गए, घूमते गए, पर उनको कोई भी उनका अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु ने हार मान ली और उस ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े होकर कहने लगे कि मैं हार चुका हूं, मुझे इसका कोई अंत नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को एक विटनेस बनाया, केतकी पुष्प को विटनेस बनाया कि उन्हें तो पता करा नहीं है, पर उनको ये कह दिया कि हम वहां जाएंगे जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है उसके सामने ये बोल देना कि मैंने इसको अंत को देखा है। तो ज्योतिष जब वहां पे ब्रह्मा जी के पास ज्योतिर्लिंग का प्रकट हुआ तो उन्हें कह दिया है कि जी ये केतकी पुष्प है, इसने जो है आपका अंत देखा। उस पर ब्रह्मा के 5 मुक्ते एक सर को काट दिया गया, किसके कारण, झूठ के कारण। और भगवान नारायण ने उसे सच बोला था कि मेरे को इसका अंत का शोक का कुछ मतलब, उस दिन से सत्यनारायण की कथा को प्रारंभ हुई थी उसी दिन। और भगवान उस दिन जो है लोग जो है सत्यनारायण की कथा को मनाते हैं और तब से वो ज्योतिर्लिंग का प्रागट प्रभुत्व है जो उस दिन सच्चे बोलने का हुआ, क्योंकि ब्रह्मा ने झूठ बोला और उसके 5 सर में से एक सर काटा गया, इसलिए ब्रह्मा को श्राप मिला था तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। और ब्रह्मा का एक ही मंदिर है, वह है पुष्कर, इसलिए ज्योतिर्लिंग का जो है पूजा की जाती है उस दिन। और उस दिन जो है महाशिवरात्रि के रूप में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग को पूजा जाता है, इसलिए ज्योतिर्लिंग के जो अंत का शोर का किसे नहीं पता लगा, तो इसलिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण की कथा रूप में उस दिन वो मनाई जाती है। तभी से सत्यनारायण की कथा प्रारंभ होती है, जो हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, जो सत्य का पालन करते हैं, सत्य बोलते हैं, और जो झूठ बोलते हैं वो ब्रह्मा जी का जैसे हुआ था वैसे हुआ है। इसलिए जो है आप देख लीजिए उस दिन क्या है, पार्वती शिव का विवाह नहीं होता, पर हम उस दिन जो है शिव और पार्वती का विवाह करते हैं बड़े उल्लास के साथ। पर ज्योतिर्लिंग से उसका लिंग है कि उस दिन ज्योतिर्लिंग प्राकट हुआ था अर्धरात्रि में, इसलिए लोग जो है अर्धरात्रि में भगवान शिव का पूजन करते हैं। समझ लीजिए आप।